एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर सैनिटाइज मशीन लगी हुई है और ये गाड़ी के आगे बैठने वाले, पीछे बैठने वाले सबको ये सैनिटाइज करती है। ये होममेड सैनिटाइज कार बनाई है रंजीत ओबराय ने। हम इनसे बात करेंगे और इनका डेमो भी देखेंगे कि इन्होंने ये कैसे बनाई और ये इसको ईजाद कैसे किया है, क्या सोच थी इनकी। सिंपली इसको बनाने का मतलब एक यही है कि इस समय जो COVID-19 का लॉकडाउन हुआ था, लोगों को घर में बैठना पड़ा, जब लोग बाहर निकल पा रहे तो अब प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाएगी। तो इस टाइप से इंसान अगर अपने आप को सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेता है तो मेरे हिसाब से ऐसा रहेगा कि बंदे साफ रहेंगे और आपको कोरोना कम होने की संभावना रहेगी। तो ये क्या सोच थी आपकी ये सैनिटाइज कार बनाने के लिए? तो बेसिकली तो इसको इसी तरह से सैनिटाइज कार बना करके रखा हुआ, क्योंकि फर्स्ट थिंग मेरे लिए ये था कि भाई मेरी फैमिली सेफ रहे, इसलिए मैंने बनाया। अभी एक्चुअली दूसरी गल ये है कि भी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट? तो सभी से सेफ रहे। तो ये आप मार्केट में कब लॉन्च करेंगे? ये सर मार्केट में इसको लॉन्च करना है और ये बहुत दिमाग का पैसा है, आदमी का दिमाग है। इसको बना करके आप अच्छा सैनिटाइजर, जैसे मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी जो कंटेंट इसमें वो यूज़ कर रहा हूँ और वो फ्लेमेबल भी नहीं है, क्योंकि मैंने चेक किया है, मैंने सिगरेट पी करके मैंने उसको यूज़ करके देखा है। उसमें जो है उसमें सिर्फ 10 ml डालना है आपको और 2 liters वाटर में, जो हमारी टैंक है उसकी स्टोरेज टैंक जी है। थोड़ा सा डेमो दिखाएंगे आप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सैनिटाइज कैसे करेगी, ये अभी डेमो दिखाएंगे। ये देखिए, ये सैनिटाइज हो रही है, चारों तरफ इसके नोजल लगे हुए हैं, ये सैनिटाइज हो रही है। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं आगे पीछे, ये सब सैनिटाइज हो रही है, हमारे पे सैनिटाइज करेगी। और इसके अंदर के अंदर ही माहौल है, जैसे अभी हैंड सैनिटाइजर है, हैंड सैनिटाइजर भी हम चाहेंगे कि लोग यूज़ करें, चाहेंगे लोग मास्क पहने और लोग सेफ रहे। थैंक यू।